नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हो गए। तो दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी मौजूद होंगे। तो चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लगनी है, तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी दिल्ली में, और दिल्ली में बैठक में स्वतंत्र देव सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की, वो शामिल होंगे। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। आज यूपी बीजेपी की कोर बैठक होगी और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगी, मोहर भी लगी है। तो बड़ी खबर, तो यूपी चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के लिए भाजपा नेताओं की बैठक होगी, अहम बैठक मानी जा रही है। और जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बंसल की बात करें, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, डिप्टी सीएम दोनों की बात करें, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस पर शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं और अनूप कुमार सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम स्पर्श शर्मा के पास चलते हैं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठक होनी है और जो सूबे के नेता हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, बैठक में शामिल हो रहे हैं। स्पर्श, क्या जानकारी हो रही है, क्योंकि ये बैठक बेहद ही अहम कह सकते हैं, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। देखिए, बिल्कुल, पहले ये बैठक जो है 11 बजे होनी थी, लेकिन अब थोड़ा सा डिले इस बैठक में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो तमाम जो नेता है, वो चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए या अन्य नेताओं की बात की जाए, वो दिल्ली के लिए रवाना होते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ इस बैठक की बात करें तो बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक है, तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं, जिसमें अगर बात करें तो अब ये बैठक जो है सेमी वर्चुअल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई सारे नेता जो है इस बैठक में जो है कोरोना पॉजिटिव इस बैठक से पाए गए हैं। चाहे वो प्रभारी राधामोहन सिंह की बात की जाए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए, फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो गृहमंत्री अमित शाह है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में होती हुई नजर आएगी। और चुनाव में किस तरीके से टिकट बंटवारा रहने वाला है उसको लेकर ये बैठक जो है काफी अहम आने वाली है। तमाम समीकरण भारतीय जनता पार्टी जो है साधना चाहती है, उसी को लेकर आज जो तमाम बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, गृहमंत्री अमित शाह की बात की जाए, वो बीजेपी दफ्तर में जो है बैठते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ जो अन्य नेता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जो है यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में चाहे जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, विनेबिलिटी फैक्टर हो, इन तमाम मसलों को लेकर जो है आज कहीं ना कहीं ये मंथन किया जाएगा कि कौन उम्मीदवार किस क्षेत्र से हो सकता है। और उसके बाद आने वाले समय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद जो है अंतिम मोहर कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, स्पर्श वापस आपके पास लौटेंगे। अनूप कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। अनूप कुमार सिंह, देखा जाए जिस तरीके से जानकारी स्पर्श ने दी है कि कुछ नेता हैं जो वो पहुंच रहे हैं, हालांकि बैठक में थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो सिलसिलेवार तरीके से नेताओं का बीजेपी कार्यालय में आना जाना हो रहा है वो कुछ दिनों से लगातार चल रहा है, अभी कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, क्योंकि पार्टी के नेता लगातार ऑफिस आना जाना कर रहे हैं, मंथन चल रहा है, सबको लग रहा है कि टिकट हमारे नाम से फाइनल होगी। देखिए अभिषेक, कल इसी भाजपा कार्यालय में एक हुजूम उमड़ा था लोगों का, क्योंकि पहला जो फेस है वो पश्चिम का है, पश्चिम में कैराना समेत जो मुजफ्फरनगर तमाम जो जिलों में चुनाव होने हैं, ऐसे में पश्चिम के तमाम जो साथी थे कल यहाँ पर मौजूद थे और उम्मीद लगा रहे थे कि पश्चिम से उनको टिकट मिलेगा, यानी जो टिकट मांगने वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी को हर सीट बार उसको मंथन कर रही है, क्योंकि अगर किसी सीट पर सामान्य सीट है तो सामान्य प्रत्याशी न ज्यादा होने पावे, विपक्ष के कौन से किस जाति के प्रत्याशी है, जाति समीकरण सीट पर क्या है, जो सीट है वो किस बाहुल्य है, तो ये सब तमाम जो चीजें हैं उसका मंथन लगातार चल रहा है। कल लखनऊ में बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो नेता शामिल हुए थे, दोनों डिप्टी सीएम राधामोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए थे। आज दिल्ली में बैठक होनी है इसी को लेकर, क्योंकि कल खाका तैयार कर लिया गया है, कल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, मंथन हो चुका है। अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है दिल्ली में,
उसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि जो पहले फेज के जो प्रत्याशी हैं उनको किस तरीके से क्या समीकरण रहेंगे, किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, कौन प्रत्याशी जिताऊ है, किस पे ज्यादा विश्वास किया जाएगा, ये सब तमाम जो चीजें हैं कहीं न कहीं उस पर आज अंतिम मुहर लगेगी। अलोक कुमार सिंह अगर बात की जाए तो जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर किसानों की संख्या भी बहुत है और भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान आंदोलन का सामना करती आई है। नेताओं को मनाना, समझाना और उस उम्मीदवार को लाना मैदान पर जो कि उन किसान आंदोलन में जितने या कहें कि बागी हुए हैं या विपक्ष हुए हैं या हमलावर हुए हैं उनको मनाना भी एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। अनूप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किसान आंदोलन एक बड़ी चुनौती थी पश्चिम में भाजपा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती सुधर गई है। किसान बिल वापस हो चुका है, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नलकूपों के बिजली का बिल हाफ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और आज से भाजपा ने एक अभियान चलाया है, पांच पांच लोगों का घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान, आज स्वतंत्र देव सिंह सुबह ही उसकी शुरुआत कर चुके हैं, यानी लगातार अब 1,74,000 जो बूथ है उन क्षेत्रों में जाकर भाजपा के नेता कार्यकर्ता घर घर अभियान चलाएंगे और अपनी बात कहेंगे। एक बड़ा विषय था कि पश्चिम में जिस तरीके से भाजपा को संघर्ष चुनौती भी है जिसका सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। हालांकि चुनाव नजदीक है लेकिन इसी बीच अपने आप को और अपनों को मनाना भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वापस आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। अनूप कुमार सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों के लिए ट्विटर पर एक संदेश भी जारी किया जिसमें उन्होंने प्रदेश के लिए अपने कार्यकाल के लिए किए गए विकास कार्यों को बताया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों जनप्रतिनिधियों को भी संदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की लड़ाई हम सबको एक साथ लड़नी होगी। प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रदेश के समग्र विकास और सुरक्षा में पिछले 5 वर्ष के दौरान निरंतर अपना सकारात्मक योगदान हमें दिया है। 5 वर्ष का हमारी साथ सरकार का यह कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस दौरान पिछले 20-22 महीनों से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से भी जूझ रही है। भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई, प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो कोरोना का काल चल रहा है, बड़ी चुनौती भी सरकार के लिए और देश के लिए और चुनाव आयोग के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, अब सभी राजनीतिक दलों में रस्साकशी का दौर भी बना हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए आज से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता और नेता राज्य के करीब 2.25 लाख बूथों तक घर घर जाएंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। जनविश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में जाकर हम लोगों ने आशीर्वाद और जन समर्थन एक तरह के विशाल रूप लिया और रैलियां भी संपन्न हुई, रोड शो भी हुआ, कार्यक्रम में स्वागत हुए जवाब। उसी के साथ हम लोग मूर्तों के सम्मेलन साथ साथ किए जिसका विश्वास हमें बातचीत की और लोगों का समर्थन। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर सरकार संपर्क करना, आज उन लाभार्थियों को हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला और वह लाभ वो लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं।
कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। इतने कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी मामले में पीयूष जैन ने 169 करोड़ रुपए अपने होने की बात स्वीकार कर ली है। तो बड़ी जानकारी आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 169 करोड़ रुपए की उन्होंने स्वीकार कर लिया है और 196 करोड़ रुपए में किसी अन्य व्यक्ति का लेना देना नहीं है, ये पीयूष जैन ने कहा है। और जेल में DGGI की पूछताछ में ये बयान आया है पीयूष जैन का, ये जानकारी सामने आ रही है। 23 जनवरी तक रिमांड में रहेगा पीयूष जैन। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कानपुर मामले में, इतने कारोबारी पीयूष जैन के घर जो छापेमारी हुई थी और लगभग 250 करोड़ की जो संपत्ति मिली थी उसमें से पीयूष जैन 196 करोड़ रुपए अपने होने की बात स्वीकार कर ली है और साथ में जो और पैसा है उसको स्वीकार नहीं किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये भी जानकारी आ रही है कि 23 जनवरी तक अब पीयूष जैन की रिमांड बढ़ जाएगी। अभिनव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिनव, नया मामला सामने आया है, पीयूष जैन ने अपनी संपत्ति को भी कबूला है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो DGGI टीम के जो विवेचक हैं शंभुनाथ सिंह, इन्होंने कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग की थी और अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पीयूष जैन ने जेल में हुई पूछताछ में ये स्वीकार कर लिया है कि उसने बिना बिल के कई करोड़ के लेन देन किए और इतनी नकदी कमाई जो बरामद हुई उसके घर से, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा है कि उसने किससे ये माल खरीदा था और किससे बेचा था। यानी अभी भी वो DGGI की टीम को गुमराह कर रहा है, इसीलिए रिमांड बढ़ाने की मांग की थी और कोर्ट ने 23 जनवरी तक पीयूष जैन की रिमांड बढ़ा दी है। यानी अब 23 जनवरी तक DGGI की टीम की रिमांड में रहेगा पीयूष जैन और साथ ही साथ इसमें कई और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जब ये नाम सामने आएंगे कि उसने माल किससे खरीदा, क्योंकि वो स्वीकार कर रहा है कि ये उसने फर्जी बिल तैयार करके 3 फर्मों के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी और हेराफेरी की थी, तो कहीं ना कहीं अब और भी नामों के खुलासे हो सकते हैं कि आखिर ये रुपया उसने किससे माल खरीद कर और किसको बेचकर कमाया था। जी बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर जो छापेमारी हुई थी, 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी, उस पर पूछताछ चल रही है, रिमांड बढ़ा दी गई है। अभी भी पूछताछ DGGI की टीम करेगी और इसके बाद क्या कुछ खुलासा होता है हम आपको अपडेट के साथ देते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही कानपुर से। भारत में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,68,063 नए केस सामने आए। हालांकि सोमवार की तुलना में 6% कम केस आए हैं। सोमवार को देश में कोरोना के 1.79 यानी कि 1,79,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। भारत में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से केस आ रहे हैं और यहां पिछले 24 घंटे में 33,470 केस सामने आ चुके। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 19,286 केस, दिल्ली में 19,166, तमिलनाडु में 13,000 से ऊपर, कर्नाटक में 11,000 से ऊपर और भारत में पिछले 24 घंटे में मिले कुल केसों में 58% नए केस इन्हीं 5 राज्यों में से आए हुए हैं। तो देश में पिछले 24 घंटों में 277 लोगों की जान भी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 117 लोगों की जान गई है। वहीं देश में ओमिक्रोन के केस भी बढ़ रहे हैं और टोटल जो मामले हैं वो 4,461 हो चुके हैं। वहीं अगर बात यूपी की करें तो प्रदेश में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार चल रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,334 नए मामले सामने आए। तो वहीं कोरोना के कहर से 4 लोगों की जान भी जा चुकी है, वहीं 335 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 33,946 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी साझा की है। 24 घंटों में संक्रमण के 8,334 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 335 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 33,946 मामले हैं। इन 33,946 मामलों में से 33,563 होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बार की लहर में हम ये देख रहे हैं कि लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ रही है और लोग घर पर रहकर ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में ना आइएगा और किसी भी प्रकार से भयभीत ना होइए, घबराइए नहीं।
जहां भी आप हैं आपके घर पर ही हमारी टीमें संपर्क करके आपको दवाइयां उपलब्ध करवाएंगी और आप दवाइयों का सेवन कर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए देवेंद्र यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि खुद को आइसोलेट किया हुआ है, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील भी देवेंद्र यादव ने की है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव भी है और देखा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं, जो चुनावी कमान को संभाले हुए हैं, वो भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। तो देवेंद्र यादव जो कि चुनाव प्रभारी हैं, वो भी कोरोना की शिकार हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। देहरादून टिकटों को लेकर भाजपा का बड़ा मंथन चल रहा है। जल्द ही भाजपा कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान, सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। तो आज उत्तराखंड पहुंचेंगे भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है और टिकटों को लेकर मंथन चलेगा, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, संसदीय दल की बैठक होगी, देहरादून अब प्रभारी पहुंच चुके हैं चुनाव प्रभारी और टिकटों को लेकर भाजपा का बड़ा मंथन चलेगा। सूबे के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठा होंगे, उम्मीदवारों को लेकर बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिश्त नहीं लेना चाहती है, जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है, संहिता प्रभावी हो चुकी है और बेहद ही कम समय बचा है सभी राजनीतिक दलों के पास चुनावी तैयारी को लेकर। 21 तारीख से उत्तराखंड प्रदेश में नॉमिनेशन शुरू होंगे तो उससे पहले टिकटों का ऐलान भी यहां पर जरूरी हो जाता है। हालांकि सभी नाम लगभग अंदर खाने सर्वे हो चुका है, तय हो चुके हैं कि किस सीट पर कौन होगा, लेकिन औपचारिक तौर पर अगर उसका ऐलान करना है तो उससे पहले कई समीकरण सभी को देखने होंगे। भाजपा की बात करें, सत्ताधारी दल है, 57 का मैंडेट पिछले चुनाव में मिला था तो उम्मीद होगी कि इस बार भी कमबैक किया जाए और भारी बहुमत के साथ जो एक आंकड़ा देने की कोशिश भाजपा की तरफ से हो रही है उसको कैसे पूरा करना होगा, इसको लेकर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी देहरादून पहुंच चुके हैं और जिस तरह की जानकारी आ रही है कि संसदीय दल की बैठक होगी उसमें कई नामों पर चर्चा होगी, बड़े नेता इसमें बैठेंगे। हालांकि जो सर्वे है उसमें कई नाम तय किए जरूर जा चुके हैं लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर टिकट कटने की बात भी सामने आ रही है। तो अब देखने यही होगा कि जब बैठक होगी, जब नाम सामने आएंगे तो पैनल में कितने नाम होंगे और किन किन नामों पर औपचारिक मुहर यहां पर लगती है। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, वापस आपके पास लौटेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है और बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और टिकटों को लेकर मंथन चलेगा। वहीं उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को लेटर लिखकर उधम सिंह नगर जिले में 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में एक प्रतिबंधित पशु के शव के टुकड़ों में मिलने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने बवाल कर दिया था। प्रशासन और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, साथ ही सीआरपीएफ क्षेत्र में तैनात कर दी गई। इसके अलावा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने और कमिश्नर दीपक रावत रुद्रप्रयाग में कैंप किए हुए हैं और स्थिति पर नजर रखी हुई है। इधर पुलिस प्रशासन ने शहर विधायक राजकुमार ठकुराल, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव अरोरा और हिंदूवादी संगठनों से अलग अलग मुलाकात कर उन्हें धैर्य बनाने की सलाह दी है। कंचन वर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। कंचन, जो कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या अब बवाल जो मचा हुआ था अब शांत हो चुका है, क्या प्रशासन की सक्रियता साफ दिखाई दे रही है और इंटरनेट जो सेवाओं को बाधित करने का था वो भी अब निरस्त कर दिया है, ये भी जानकारी आ रही है? कंचन देखिए, मैं रुद्रपुर के आवास विकास में ये जो घटना हुई थी कल, ये सामने जो प्लाट आप देख रहे हैं, ये प्लाट जो है इसी में एक प्रतिबंधित पशु और उसके बच्चे का शव पाया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एक सनसनी फैल गई, हिंदूवादी संगठन पहुंच गए, एसएसपी और एसपीसीबी पहुंच गई और हिंदूवादी संगठनों की एक ही मांग थी कि जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, देर रात तक पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज निकाली है जिसमें कि पशु को दौड़ाकर ले जाते हुए लोग साफ नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने 24 घंटे का समय पुलिस को दिया था कि इस घटना का आपको खुलासा करना है, नहीं तो 25वां घंटा हमारा होगा। उसके बाद यहाँ पर
कमिश्नर दीपक रावत और डीआईजी नीलेश आनंद भरने यहाँ पर कैंप करे हुए हैं। सीआरपीएफ यहाँ पर तैनात कर दी गई है पूरी तरीके से, पीएसी तैनात कर दी गई है और पुलिस जो है पूरी तरीके से गश्त करके यहाँ पर स्थिति पे का पूरा जायजा ले रही है, एक माहौल ना बिगड़े, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के तुरंत बाद ये घटना हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो है पुलिस नहीं चाहती कि चुनावी माहौल खराब हो। जी बिल्कुल गंचन, बहुत बहुत शुक्रिया गंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि जो प्रतिबंधित था वो जानवर, उसको मारने की धमकी दी गई थी और साथ में ये भी प्रशासन के द्वारा कहा गया कि स्थिति को सामान्य रखें, आप लोग बवाल ना मचाएं और जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा कि आखिर आरोपी कौन है, आरोपी को सजा जरूर मिलेगी। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप जुड़े रहे और देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।